हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की। 27 अक्टूबर से इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होगा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। बीसीसीआई ने गाइडलाइंस पूरी तरह से जारी की है कि किस तरह से खिलाड़ियों को रहना होगा। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि खिलाड़ियों को किस तरह से रहना होगा और कितने दिन का क्वारंटीन करना होगा। इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश आज मैं आपको करूँगा। बीसीसीआई ने तीन बातें कही है। सबसे पहले बीसीसीआई ने यह कहा कि नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये बीसीसीआई ने पूरी तरह से कंफर्म किया है कि किसी भी तरह का कोई भी नो, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, बीसीसीआई ने यह कंफर्म किया है कि 6 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन, हर एक खिलाड़ी को 6 दिन का क्वारंटीन करना होगा। 27 अक्टूबर से पहले 6 दिन का क्वारंटीन हर एक खिलाड़ी को होगा, उसके बाद वो अपनी टीम के साथ जुड़ेगा। यानी 6 दिन का क्वारंटीन कंपलसरी रखा गया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी कंफर्म किया है कि स्क्वाड की स्ट्रेंथ सिर्फ 30 खिलाड़ियों की रहेगी। यानी उसमें भी 20 खिलाड़ी होंगे और 10 स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल किए जाएंगे। बीसीसीआई ने यह पूरी तरह से कंफर्म किया कि सिर्फ 30 स्क्वाड की स्ट्रेंथ होगी और उसमें भी 10 स्पोर्ट्स स्टाफ होंगे और 20 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। ये बीसीसीआई ने पूरी तरह से कंफर्म किया है। कोई भी खिलाड़ी अगर पॉजिटिव निकलता है, बीसीसीआई ने इसके लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए हैं। अगर बात की जाए तो बीसीसीआई के मुताबिक अगर कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव निकलता है तो उनके लिए 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन होगा। उसके बाद उनका 9वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद वो टीम के साथ जुड़ सकता है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के सिम्टम नहीं होंगे तो 24 घंटे के बाद उसका आरटीपीसीआर लिया जाएगा। अगर उसमें वो नेगेटिव पाया जाएगा तो उसके बाद उसको टीम के साथ शामिल किया जाएगा। ये बहुत ही सख्त कानून रखे गए हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो कोई भी पॉजिटिव अगर निकलता है तो उसके लिए 10 दिन का क्वारंटीन, मैंडेटरी क्वारंटीन रखा गया है। और इसके अलावा अगर किसी के खिलाड़ी के सिम्टम ना हो तो 24 घंटे के बाद फिर से आरटीपीसीआर लेने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद वो अपनी टीम के साथ शामिल हो सकता है। और खिलाड़ियों के लिए ये भी बड़ी बात कही गई है कि जब वो स्टेट से निकल जाएंगे, यानी जहां पर उनका जो क्वारंटीन सिस्टम होगा वहां से पहले उनका अपनी स्टेट में टेस्ट होगा, उसके बाद वो नेगेटिव आने के बाद 12 से 24 घंटे पहले उनको अपने जो जितने भी उनको कैंप होंगे, जहां पर उनका कैंप बना होगा वहां पर उनको 24 घंटे से पहले पहुंचना होगा। उसके बाद उनका फिर से टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। ये भी बीसीसीआई ने कन्फर्म